कॉल की थी तुम्हें शाम को, कहाँ थी तुम? तुमने कॉल की थी किस टाइम? तुम्हें कोई कॉल नहीं आई? आई होगी, पता है आज मेरा फोन बहुत इग्नोर रहा है। मैं मॉम की तरफ गई थी और वहाँ बहुत सारी आंटी आ गई, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और मैं फोन चेक करना भूल गई। आई एम सॉरी। किस किस बात का सॉरी कहोगी आलिया? क्या मतलब, और किस बात के लिए सॉरी कहना है? रहने दो अहमद, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? क्या मतलब है तुम्हारा, तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ कहो ना क्या बात। साफ साफ सुन लोगी तुम? हिम्मत है तो सुनो। मेरा बाप सारी जिंदगी मेरे लिए हमेशा अजाब बन कर रहा है, और अब जबकि मेरी शादी हो गई है तो वो अभी भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा। मतलब क्या है तुम्हारा अमर? वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। मुझे तुम्हारा हर वक्त डैड के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। जब देखो दिन रात तुम दोनों पता नहीं। शट अप अमर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती। तुमने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया है। अब मैं तुम्हारे बाप के घर में नहीं रह सकती। अच्छा, I'm sorry आलिया। मेरी अहमर से बात हुई है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि उससे बात की जाए। बज़ाहिर तो ये कत्ल और डकैती का केस मालूम होता है। आपके घर से कीमती सामान, नकदी और जेवरात भी गायब हैं। आप दिन के वक्त कहाँ थी? मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, हम लेट नाइट वापस आए थे, अहमर भी साथ थे मेरे। अहमर के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात कैसे थे? जी बिल्कुल ठीक थे। क्या मतलब है, आप अहमर पर शक कर रहे हैं? देखें, पुलिस किसी पर भी शक कर सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में किसी ने अपने बाप को कत्ल ना किया। जब तक ये केस हल नहीं हो जाता, आप दोनों में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जा सकता। जी चलता हूँ। आदिल साहब, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि कोई जानने वाला, अब जैसा कि आप अहमर के करीबी दोस्त हैं, डकैती प्लान करता है और गलती से कत्ल हो जाता है। और मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया। आप कोशिश करेंगे जितनी हो सकेगी आप पुलिस की मदद करेंगे, वैसे भी पुलिस को मदद की बहुत ज़रूरत है। सर, मैं तो अपने घर पर ही था। आपका घर तो लाहौर में है ना? आई मीन अपने फ्लैट में मौजूद। किसी ने देखा आपको घर पर पूरा दिन? जी नहीं, मैं अकेला था। इसका मतलब है कि कोई भी गवाह नहीं? जी नहीं। तो यार एक काम करो, तुम ही गवाह बन जाओ। जी। सच्ची बात यह है कि मुझे तुम्हारे दोस्त पर बहुत शक है, उसके बारे में बताओ। हाशमी साहब के साथ उसके कैसे ताल्लुकात थे? सर, अहमर के ताल्लुकात अपने डैड के साथ को इतने बुरे तो नहीं थे। इतने बुरे नहीं थे मतलब बुरे थे? देखिए सर, अहमर के डैड थोड़े से जिंदा दिल किस्म के, थोड़े मुख्तलिफ किस्म के इंसान थे, और शायद अहमर कोई बात पसंद नहीं थी। अहमर ने कभी तुमसे शेयर किया? जी हाँ, वो अक्सर मुझसे शेयर करता था। वो शादी के बाद इतना खुश नहीं था सर। अच्छा, अहमर की बीवी के ताल्लुकात हाशमी साहब के साथ कैसे थे? मेरा मतलब है वैसे ही थे जैसे मैं सोच रहा हूँ?
पता नहीं सर आप क्या सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ जिसके बाद एक बेटा अपने बाप की कमर पर छुरियां चलाने पर मजबूर हो जाता है। देखिए सर मुझे पता नहीं है, जितना मालूम था आपको बता दिया, और वैसे भी उसकी शादी के बाद मैं उसके घर नहीं जाता था। ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो बताना भूलना मत। थैंक यू सर। यार ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या हुआ है? मुझे जल्द से जल्द अपनी टेबल पर चाहिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, अगर आप थाने तशरीफ ले आए तो। कत्ल ठीक दोपहर 3:30 बजे हुआ। आलाय कत्ल चाकू और कातिल बेटा। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप होश में तो हैं? ओए बोलती बंद कर दूंगा, अब मैं जो भी पूछूं उसका जवाब मुझे फौरन फौरन चाहिए। तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारे कुछ मसाइल तो थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि तुमने कत्ल ही कर दिया? मैंने उन्हें कत्ल नहीं किया, मेरे उनके साथ इख्तलाफात थे, लेकिन मैं उन्हें कत्ल नहीं कर सकता। मैं उस वक्त ऑफिस में था। हाँ तुम ऑफिस में थे, लेकिन तुम जानते थे कि तुम्हारी बीवी और बाप के दरमियान कुछ चल रहा था। तुम ऑफिस से आए और तुमने नहीं मारा, मैंने अपने डैड को। कोई बच्चा अपने बाप को कैसे मार सकता है, और मुझे उन्हें मार के क्या मिलता? अपनी जायदाद तो वो वैसे भी मेरे नाम करने वाले थे। ऑफिसर मैं बच्चा था उनका, ही वॉज माई डैड, मैं प्यार करता था उनसे। हाँ मुझे लगता था कि आलिया और डैड के बीच में कुछ है, लेकिन मैं गलती पे था। शायद उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, जल्दी घुल मिल जाने वाली। गलती मेरी थी कि मैंने उन पर शक किया, मगर मैं अपने डैड को नहीं मार सकता। आप ठीक कह रहे हो, ये कत्ल आपने नहीं किया। मुझे पहले ही पता था कि आप बेगुनाह हैं। आप उस वक्त ऑफिस में थे और इस बात के दस्तियों गवाह भी मौजूद थे। मैं सिर्फ आपसे बात करके अपनी तसल्ली करना चाहता था। मैं आपके वक्त का शुक्रिया।